हेलो स्टूडेंट्स, ओ लेवल के आईओटी मॉड्यूल के प्रैक्टिकल क्लास का ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने आर्डुइनो यूनो बोर्ड के कुछ बेसिक पिंस के बारे में ही जानकारी हासिल की थी और हमने उस वीडियो में उन सभी बेसिक पिंस के बारे में आपको बताया था जो आपके ओ लेवल के सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको आर्डुइनो यूनो को और डिटेल में जानना है, उसके एडवांस पिंस के बारे में जानना है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं और आपको बाकी तीन पिंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जो पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो उन तीनों पिंस में सबसे पहला पिन है ARF पिन। ARF पिन क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है एनालॉग रेफरेंस पिन और ये आपको आर्डुइनो यूनो के बोर्ड पे उस जगह पे दिखाई देगा जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एनालॉग रेफरेंस पिन केवल एक ही जगह पर आपको मिलेगा, वो डिजिटल वाले लाइन के ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है। एनालॉग रेफरेंस पिन का काम समझने के लिए सबसे पहले आपको एनालॉग पिन के बारे में जानना पड़ेगा। एनालॉग पिन के बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था, लेकिन वहाँ पे मैंने सिर्फ बेसिक जानकारी दी थी कि एनालॉग पिन का उपयोग हम एनालॉग डेटा को एज ए इनपुट लेने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर एक पोटेंशियोमीटर है जिसका उपयोग आप किसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उस पोटेंशियोमीटर का रीडिंग लेने के लिए आप उसको किसी एनालॉग पिन से कनेक्ट करोगे। तो मैंने बस इतना ही बताया था कि एनालॉग डेटा को ऐसे इनपुट लेने के लिए एनालॉग पिन का यूज़ करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में एनालॉग पिन को जब तक आप डिटेल में नहीं जानेंगे, तब तक आप ए रेफरेंस या एनालॉग रेफरेंस पिन का उपयोग आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले एनालॉग पिन को थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं कि एनालॉग पिन से जो हमको डाटा मिलता है वो एनालॉग डेटा होता है, ठीक है, ये तो हमें मालूम है। लेकिन उस एनालॉग डेटा को आर्डुइनो यूनो बोर्ड एनालॉग रूप में ही यूज़ नहीं करता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है ADC द्वारा। ADC जिसका पूरा नाम है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। ये 6 के 6 कन्वर्टर होते हैं पूरे 6 पिंस में, जैसा कि आप जानते हैं कि 6 एनालॉग पिन होता है, ठीक है। तो जो भी एनालॉग डेटा इस आर्डुइनो यूनो बोर्ड में आता है उस डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये वो पूरा प्रोसेस है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। एनालॉग डेटा को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वोल्टेज में आपको रिसीव होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई सेंसर है जो एनालॉग डेटा दे रहा है आपके आर्डुइनो यूनो बोर्ड्स को, तो वो वोल्टेज में इनपुट करेगा क्योंकि वो एनालॉग फॉर्म में होगा। ADC जो कन्वर्टर होता है वो 10 बिट का कन्वर्टर होता है। 10 बिट का कन्वर्टर का मतलब, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो इनपुट आया वो 5 वोल्ट आया, ठीक है। तो 5 वोल्ट का इनपुट आपके किसी भी एनालॉग पिन पे अगर हो रहा है तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए 10 बिट कन्वर्टर का यूज़ किया जाएगा। और 10 बिट कन्वर्टर का मतलब उसको पावर 10, इसका मतलब 1024 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। इसका मतलब उसको हम 0 से लेकर 1023 के वैल्यूज़ में बदलेंगे, ठीक है। अगर इनपुट 5 वोल्ट हो रहा है और यही आपका मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका मतलब आपका जो डिजिटल वैल्यू होगा वो ये वाला होगा 1023। अगर आपका इनपुट फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट आ रहा है और ये आपका मिनिमम वैल्यू है इनपुट के रूप में, तो आपका डिजिटल वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि ये रेंज है, ये मिनिमम ये मैक्सिमम। अगर 1 वोल्ट इनपुट होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर 5 वोल्ट इनपुट होगा तो वैल्यू 1023 हो जाएगा। अगर इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में कोई वैल्यू इनपुट होता है उसको इसी 0 और 1023 के बीच में ही वो वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 2.5 वोल्ट आ रहा है, 2.5 वोल्ट एकदम बीच का वैल्यू हुआ, तो 0 से 1023 के बीच का वैल्यू आपका लगभग 512, इसी के आसपास का डिजिटल वैल्यू हो जाएगा। तो एनालॉग पिन से जो भी एनालॉग डेटा इनपुट होता है वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है और वो डिजिटल वैल्यू 0 से 1023 के बीच की होती है। इतना हम अभी समझ गए, ठीक है। जो भी डेटा इनपुट हो रहा है एनालॉग रूप में वो इस मैक्सिमम के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, इसको आपको अच्छे से समझना है। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मान लीजिए 100% है,
और उसी 100% के रेफरेंस में हम उस डेटा को, एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये मैक्सिमम वैल्यू बाय डिफॉल्ट उस बोर्ड के ऑपरेशनल वोल्टेज के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप आर्डुइनो योनो बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इसका ऑपरेशनल वोल्टेज जो यूएसबी से इसको इनपुट मिलता है वो 5 वोल्ट होता है। तो वही 5 वोल्ट एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करने का मैक्सिमम इनपुट कहलाएगा, यानी उस वैल्यू को वो एज ए रेफरेंस यूज करेगा और फिर एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। अगर आप आर्डुइनो डुओ यूज कर रहे हैं तो चूंकि ये बोर्ड 3.3 वोल्ट पे काम करता है, उस बोर्ड में मैक्सिमम वैल्यू आपका 3.3 वोल्ट हो जाएगा और जो भी एनालॉग डेटा आएगा उसको ये वोल्टेज मैक्सिमम मानकर उसको बदला जाएगा डिजिटल में। ठीक है, तो ये तो डिफॉल्ट वैल्यूज होंगे। तो इसी मैक्सिमम वैल्यू को सेट करने के लिए हम ARIF पिन का यूज करते हैं। समझ पाए आप? एनालॉग पिन से आने वाले डेटा को, ठीक है, इस मैक्सिमम वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, इस मैक्सिमम वोल्टेज के रिस्पेक्ट में उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके लिए हम यूज करते हैं ARIF पिन, यानी एनालॉग रेफरेंस पिन। इसको आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई आप सेंसर यूज कर रहे हैं जो एनालॉग डेटा दे रहा है और उस सेंसर से मिलने वाला मैक्सिमम वैल्यू 3 वोल्ट तक जाता है, यानी इससे ज़्यादा का वैल्यू वो देता ही नहीं है। तो फिर आप उस सेंसर के वैल्यू को जब आप डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1000 के आसपास तक की वैल्यू भी कभी नहीं डिजिटल में आएगी, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज बाय डिफॉल्ट 5 वोल्ट होता है योनो बोर्ड में। 5 वोल्ट जब बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम वैल्यू होता है, उसको सेंसर द्वारा 3 वोल्ट से अधिक मिलेगा ही नहीं, तो 1000 के आसपास की डिजिटल वैल्यू उसको कभी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि 5 वोल्ट के आसपास अगर इनपुट होगा तब 1000 के आसपास उसका डिजिटल वैल्यू आएगा, क्योंकि ये 100% मान है। तो कोई सेंसर जो 3 वोल्ट से ज़्यादा का इनपुट दे ही नहीं रहा है, उसे 1000 के आसपास का आप डिजिटल वैल्यू रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप कोड में 1000 यूज करेंगे तो फिर वो फिर आपका काम नहीं करेगा। तो ARIF पिन पर अगर आप कोई इनपुट देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बैटरी से आपने 3 वोल्ट कनेक्ट कर दिया, तो अब इसका मैक्सिमम 5 वोल्ट नहीं 3 वोल्ट माना जाएगा, और 3 वोल्ट के रिस्पेक्ट में जब 3 वोल्ट इनपुट मिलेगा तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू 1023 डिजिटल मान मिल जाएगा। यानी 3 वोल्ट ही मैक्सिमम था और 3 वोल्ट ही इनपुट मिला, तो 3 वोल्ट का 100% का 100% मैक्सिमम वैल्यू 1023 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 1023 ही उसका वैल्यू का लिमिट होता है। तो इस तरह से आप एनालॉग की रीडिंग एकदम एक्यूरेट रीड कर सकते हो सेंसर से। तो इस वजह से जहाँ पर एक्यूरेसी की बात आती है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है सेंसर से एनालॉग डेटा रीड करने के लिए, तो वहाँ ARIF पिन का यूज़ किया जाता है। अगर आपको नोट्स भी लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ARIF पिन का उपयोग एनालॉग पिन यानी A0 से A5 में होने वाले इनपुट के एनालॉग टू डिजिटल रूपांतरण के लिए एक्सटर्नल संदर्भ वोल्टेज, इसको एक्सटर्नल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बाहर से वोल्टेज सप्लाई करते हो उस पिन को कि कितना वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज सेट करना है। और यहाँ पे आप लिखा भी होगा कि रेफरेंस वोल्टेज इनपुट रेंज के अधिकतम मान को दर्शाता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी इनपुट होगी एनालॉग पिन पर, ये वो सेट करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल भी देख पा रहे हैं, इफ यू वॉन्ट टू मेजर वोल्टेज विथ ए मैक्सिमम रेंज ऑफ 3.3 वोल्ट, वी वुड फीड ए नाइस स्मूथ 3.3 वोल्ट इन टू ARIF पिन। अगर आपको किसी सेंसर से या किसी भी डिवाइस से मैक्सिमम 3.3 वोल्ट ही रीड करना है तो आप उस ARIF पिन की वैल्यू को 3.3 सेट कर दोगे, फिर आपको एकदम एक्यूरेट डिजिटल वैल्यू मिलने लगेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं IORIF पिन क्या होता है। इसका पूरा नाम है इनपुट आउटपुट रेफरेंस। ठीक है, इस पिन को समझने के लिए सबसे पहले आपको आर्डुइनो शील्ड्स के बारे में जानना है। आर्डुइनो शील्ड्स ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो आर्डुइनो बोर्ड की कैपेबिलिटी यानी क्षमता को बढ़ा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि आर्डुइनो यूनो बोर्ड पे
ब्लूटूथ बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, ना वाईफाई होता है, सारी चीज़ें एक ही साथ एक ही बोर्ड पे नहीं आती हैं, आपको अलग से वो चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो आपको एक मॉनिटर मिलेगा, कीबोर्ड माउस मिलेगा और एक सीपीयू मिलेगा। प्रिंटर और कैमरा और स्पीकर आपको नहीं मिलता है, क्योंकि वो अलग से लेना पड़ता है, ठीक है, वो उसके साथ नहीं आते हैं। ठीक उसी तरह आर्डुनो यूनो जब आप खरीदोगे तो सिर्फ आपको बोर्ड मिलेगा, उसमें वाईफाई फीचर्स, ब्लूटूथ फीचर्स, ईथरनेट या आप कैमरा, एलसीडी स्क्रीन, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो अलग से लगानी पड़ती है। उसी को हम बोलते हैं शील्ड्स। फॉर एग्जांपल ये जो शील्ड आप देख रहे हो, इसको ईथरनेट शील्ड बोलते हैं। अगर आपको अपने आर्डुनो यूनो बोर्ड को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो आप ईथरनेट शील्ड लगा सकते हैं। ईथरनेट शील्ड इंटरनेट सर्विस आर्डुनो बोर्ड को देने के लिए होता है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, इसको शील्ड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरा ढक के रखता है आर्डुनो यूनो बोर्ड को, क्योंकि जस्ट उसके ऊपर ही ये अटैच हो जाता है, एकदम पिन टू पिन इसके मैच करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ऊपर वाले बोर्ड का पिन, यानी जो नीचे यूनो का बोर्ड है और ऊपर ईथरनेट शील्ड है, तो इसके जो पिन्स होते हैं वो इसके पिन्स के जस्ट नीचे ही होते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे से ऐसे अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो शील्ड इसीलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि वो आर्डुनो बोर्ड को कवर कर लेता है पूरा। तो अब इसमें IORF पिन का क्या रोल है? इनपुट आउटपुट रेफरेंस पिन का काम ये है कि जो यूनो का बोर्ड है ये कितने वोल्टेज पे काम करता है, ये वोल्टेज मिलता है इस इनपुट आउटपुट रेफरेंस पिन से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आर्डुनो यूनो यूज़ कर रहे हो तो 5 वोल्ट का आउटपुट मिलता है, अगर आप आर्डुनो डुओ यूज़ कर रहे हैं इनपुट आउटपुट रेफरेंस पिन से 3.3 वोल्ट का आउटपुट मिलता है। इसका मतलब इस शील्ड को पता चल जाएगा कि आप कौन सा बोर्ड यूज़ कर रहे हैं और कितने वोल्टेज पे काम करने वाला बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, और उसी वोल्टेज के आधार पे वो कम्युनिकेशन कर पाएगा आपके आर्डुइनो बोर्ड से। नहीं तो फिर अगर वोल्टेज घट बढ़ जाएगा या मिसमैच हो जाएगा तो हो सकता है बोर्ड जल जाए या काम ना करे। तो इनपुट आउटपुट रेफरेंस पिन इसीलिए होता है ताकि बोर्ड के बारे में शील्ड को पता चल सके कि कितने वोल्टेज पे वो काम करता है, ठीक है। तो अगर वो यूनो है तो 5 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा, अगर वो डुओ है तो 3.3 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा, और शील्ड को पता चल जाएगा कि कितने वोल्टेज पे काम करता है वो, फिर उसी के आधार पर वो कम्युनिकेशन उससे कर पाएगा। तो इनपुट आउटपुट रेफरेंस पिन का काम यही होता है। अब हम समझते हैं ICSP पिन क्या होता है। ICSP पिन का पूरा नाम है इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग, और इस पिन का उपयोग हम मेनली दो कामों के लिए करते हैं। पहला है बूट लोडिंग और दूसरा है SPI कम्युनिकेशन। ये मेन दो काम है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम है इस पिन के। इस दो काम के बारे में आज जानेंगे। बूट लोडिंग क्या होता है? बूट लोडर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो आर्डुइनो बोर्ड पर स्केच यानी कोड को, आर्डुइनो के कोड को हम स्केच बोलते हैं, कोड को अपलोड करने की परमिशन देता है। यानी अगर बूट लोडर नहीं है तो आप USB केबल से आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से कोड अपलोड नहीं कर पाओगे। तो बूट लोडर की वजह से ही आप अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से आप USB केबल के मदद से डायरेक्ट कोड अपलोड कर पाते हैं, या आर्डुइनो बोर्ड्सों पर माइक्रो कंट्रोलर पर पहले से प्रोग्राम किया हुआ होता है। यानी जब आप बोर्ड खरीदते हैं तो पहले से उसकी प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। तो बूट लोडर को प्रोग्राम करने के लिए यूज़ होता है ICSP पिंस। ये टोटल 6 पिंस होते हैं और वो आपको लगातार ऐसे मिलेंगे इस शेप में, या फिर ऐसे मिलेंगे, तो दो जगह होता है। फिर SPI कम्युनिकेशन में भी ICSP पिंस का यूज़ होता है। इसका पूरा नाम है सीरियल पेरीफेरल इंटरफेस। एक सीरियल डेटा प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग माइक्रो कंट्रोलर द्वारा कम दूरी पर एक या अधिक पेरीफेरल उपकरणों के साथ शीघ्रता से संचार करने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग दो माइक्रो कंट्रोलर के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर एक यूनो से आपका प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है तो आप एक और यूनो कोड अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, और इन दोनों के बीच के कम्युनिकेशन के लिए आपको इसी ICSP पिन का उपयोग करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ आसान भाषा में, ठीक है। तो ICSP पिन्स का दो मेन काम है। एक तो आप अपने आर्डुइनो यूनो को प्रोग्राम कर सकते हैं,
आर्डुइनो यूनो को प्रोग्राम करने का मतलब आप उसकी फंक्शनैलिटी को प्रोग्राम करते हैं, उसके बूट लोडर को प्रोग्राम करते हैं, ना कि स्केच अपलोड करते हैं। स्केच अपलोड करना अलग चीज़ होता है, उसके फर्मवेयर को कोड करना अलग चीज़ होता है, ठीक है। अगर आपका बोर्ड अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो मेन काम है ICSP पिन्स का, वो SPI कम्युनिकेशन यानी सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस प्रोवाइड करना है, जिससे आप दो बोर्ड्स के बीच में आपस में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने तीन एडवांस पिन्स के बारे में जानकारी हासिल किया है। अगर आपको एक बार में ये वीडियो का टॉपिक नहीं क्लियर हुआ है तो आप इसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि दूसरी बार में आपको ये गारंटीड समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले टॉपिक्स के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।